बैक टू द मैथ वॉरियर दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एमपी भोज जो फॉर्म लेकर के आया है, ठीक है, और मैं एक जानकारी बहुत बड़ी देने वाला हूँ कि दोस्तों जो आपकी पीडीएफ से सारी कुछ दिनों से दिक्कतें थी, एक दो दिन से तो उनको पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, जो बच्चे व्हाट्सएप पर पेमेंट कर, ठीक है, अगर किसी ने ऐप पर डायरेक्ट पेमेंट किए तो उनको कोई दिक्कत नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक, और जिन लोगों ने इस पर पेमेंट की उनको कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब आप लोग आसानी से व्हाट्सएप पर पेमेंट कर सकते हैं और तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो डेट है ना 30 तारीख है एमपी बोर्ड स्पेशल डेट की, उस बात को बहुत अच्छे से समझें और उस चीज को क्लियर भी करें, ठीक, किसी भी डाउट में ना रहे, फॉर्म भर दें। स्पेशल बीएड के लिए मैं 10 बार आपको बोल रहा हूं, वही चीजें हैं कि आपको जो है अपना क्या है वो मान्यता रखनी पड़ेगी कि 60% होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% मेन, वही बात, बाकी जॉब करते हो तो और अच्छी बात, नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस से बीएड का यही मतलब होता है, इस बात को आप लोग समझ लें। और जो दोस्त हमारे नॉर्मल बीएड या डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं उस पर भी कई सारे वीडियोज डले हुए, उसको भी समझ लो। मैं तो सीधे कहता हूं, अगर आपको कोई डाउट आता है ना, आपको एक नंबर दिख रहा हूं, इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, भले ही उस टाइम में रिप्लाई ना कर पाओ बट आपको बाद में रिप्लाई आएंगे, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे, ठीक, किसी भी डाउट में ना रहे, मस्त रहे, जुड़े मैथ वॉरियर से। और जल्द मैं क्लासेस के लिए भी सेटअप बैठा रहा हूं, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की वो नहीं जरूरत नहीं, इस बात को आप समझे, ठीक। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ गए हैं, जुड़ गए हैं मैथ वॉरियर से, छोटा सा वीडियो है, आपको अपडेट देना बहुत जरूरी, बहुत से बच्चे डाउट में हैं, डाउट है प्लीज क्लियर करें, मुझसे क्लियर करें। 30 तारीख लास्ट डेट, वो फॉर्म भरो, नॉर्मल बीएड की 11 अक्टूबर वो भी फॉर्म भरो, एग्जाम डेट आपको नॉर्मल बीएड की पता ही है कब है, लास्ट अक्टूबर में, तो क्या पता है स्पेशल की भी उसी टाइम, ठीक। बाद बाकी और भी यूनिवर्सिटी थी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुपरिटेंडेंट टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका एमपी बोझ, तो वहां पर जो चीजें थी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वहां पर भी कोई डाउट नहीं आया है, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको क्लियर है। तो बस मस्त रहो, खुश रहो, जुड़े रहो, बस मैथ वॉरियर से।